Hi, my name is Mohit Madan, और देखते रहिए वायरल बॉलीवुड. जी, मैं कहूँगा कि आई एम थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको ट्रेलर पसंद आया और ऑडियंस को भी मैं चाहता हूँ ट्रेलर पसंद आए. ऑनलाइन अभी तक आ चुका होगा एंड बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो हम यही चाहेंगे कि आप देखें 6 अक्टूबर को फिल्म एंड मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. कौन जाल में फंसा है, कौन निकल पाया है, कौन नहीं, वो आप गेस कीजिए. मैंने टीवी तो किया नहीं है, लेकिन मेरे को एक्टर्स ने टीवी किया. उन्होंने जैसे कहा पहले कि अब वो जो डिफरेंस था वो बहुत कम हो चुका है. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है अब वो. तो आजकल एक्टर्स वर्सेटाइल एक्टर्स जो हैं वो अक्सर टीवी भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, तो अपने आप को बिज़ी रखते हैं. मैंने राय किसी से नहीं ली, मैंने सिर्फ अपने डायरेक्टर से पूछा, आनंद जी से पूछा कि ये कैरेक्टर मुझे सूट करेगा क्या, बिकॉज़ उन्होंने जो मेरे को रोल ऑफ़र किया और जब मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा सर ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ रियल, अपनी पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में. एक्सक्यूज मी. तो उन्होंने कहा कि ये रोल करके बताओ, बिकॉज दिस इज़ एन एक्टर्स रोल, सो प्रूव यू आर एन एक्टर. तो दैट्स व्हाट आई मैं उनकी राय ली. उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, तब मैं ये कैरेक्टर कर पाया. It was a pleasant experience. It was Zareen, it was Gautam, it was Srisan, it was Abhinav as well. मेरे को बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में. काम के वक्त काम, शॉर्ट्स के बीच में मजाक मस्ती चलती रही. अरे मस्ती मजाक तो आई थिंक बहुत होती है, हम बहुत हंसते थे. लेकिन उसके अलावा भी मैं बस यही कहूँगा ऑडियंस से कि आप ज़रूर देखने जाएँ 6 अक्टूबर को फिल्म. बहुत ही अच्छी फिल्म है, अच्छी इन द सेंस कि एक इतने टाइम बाद आपको ऐसी थ्रिलर मिलेगी देखने को. तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जाके देखिए. म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है. ट्रेलर देखने के बाद आपको शायद और कन्फ्यूजन मिली, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. फ्यूचर प्लान वर्क इज़ देयर, और भी फिल्में हैं आगे, लेकिन मैं चाहूँगा आज बहुत बड़ा दिन, अक्सर के लिए उसी की बात करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.